सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे भाई। मॉर्निंग बज चुके हैं 8:30, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं भाई। तो आज भी हमारा तो काम ही ऐसा है, डेली का काम, कोई छुट्टी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है भाई। और पार्सल मटने के लिए जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं लोग नहीं बना पा रहा, तो चलते हैं। ये लो भाई अपने, चलो भाई ये अपना सामान है लोडिंग का, इसमें पूरा बैग भरा हुआ, 2-3 डब्बे बड़े बड़े पार्सल, तो चलते हैं भाई। चलो भाई चलते हैं। चलो दोस्तों, हम निकल चुके हैं भाई अपने काम के लिए, मंजिल के लिए। तो डिलीवरी करने के लिए जाना ही पड़ेगा भाई। तो गर्मी भी बहुत हो चुकी है, धूप इतनी निकली है, पूछो मत भाई। तो क्या करें, मजबूरी है काम करना, तो करना ही पड़ेगा भाई। शिट यार, इधर तो यार फाटक लग चुका भाई, ट्रेन भी आ चुकी है, शायद बठिंडा से दिल्ली जा रही ट्रेन, ये बठिंडा दिल्ली ट्रेन है। इधर कम से कम यार 2-3 ट्रेनें जाती है इधर से, टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है इधर। क्या करें भाई, रुकना तो पड़ेगा ही भाई। दोस्तों कम से कम 15-20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं, कम से कम 2-3 ट्रेनें गुजरती इधर से, तो 10-12 मिनट तो ऑटोमेटिक ही ख़राब हो जाती है। तो अभी निकल चुके हैं भाई, गर्मी भी इतनी, खड़े होना पड़ता उधर, और इतनी भीड़ हो जाती है, आगे से भी आते हैं ट्रैफिक, पीछे से भी, क्या करें भाई। तो उसमें पार करने में 5-6 मिनट लग जाती है, रास्ता भी नहीं अलग से, क्या करें भाई। ये देखो दोस्तों, मंकियों का झुंड बैठा बड़ के नीचे, बहुत पुराना पेड़ है ये, नीचे देखो कितने बंदर बैठे हैं भाई छाव में, बहुत सारे बंदर का झुंड बना हुआ बंदर होगा तो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी है साथ में। दोस्तों भाई को रोटी देने के लिए जा रहा हूँ दुकान पर, तो धूप भी बहुत हो चुकी है। आगे देखे दोस्तों, भैंसें आ गई हैं जो दूध देती हैं, ऐसे कई आ गई, 15-20 गाय हैं भाई, भैंसे दूध देने वाले। दोस्तों चावल लगा रखे हैं, धान अभी शुरुआत हो गई है। एक वाइट कलर का बगुला दिख रहा है आपको, वो देख थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये मछली के चक्कर में आते हैं, पानी गिरते हैं तो मछली मछली निकल जाती, कीड़े मकोड़े खाने के लिए आते हैं जबे, इनका कोई और काम नहीं है। कितनी शांति है इधर ना, ये रास्ता कच्चा, जाने के लिए कच्चा रास्ता, इधर भी थोड़ा सूखा है, थोड़ी एक दो जगह बना रखी है, इधर भी थोड़ी चावल लगा रखे हैं, ये देखो इधर सूखा है।
ये गांव का जाने का रास्ता होगा। है ना, कितनी शांति है ना दोस्तों, मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुन रही होगी, कोई शोर शराबा नहीं है इधर। तब भाई देख ले पीछे खेत है अपने, चावल की खेती कर रखी है और मतलब लगा रखा है, धान की खेती बोलते हैं जिसको। यार हम मैं तो यार बहुत ही बदनसीब बोल सकता हूँ, हमारे घर में तो कोई ज़मीन ही नहीं है भाई, क्या करें, कोई खेती ही नहीं करते, है ही नहीं ज़मीन तो कहाँ से करें। तो जो मेरी वाइफ है ना, जो आसाम से, उनके घर में बहुत खेती होती है भाई, मतलब नेचुरल चीज़ें उधर आसाम में पता ही आपको, नेचुरल चीज़ें तो होंगी इधर, हरा भरा सब कुछ, खेत खेत सब कुछ है, और उनके घर में मतलब धान की खेती करते हैं। तो मेरी पिछली मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं आप, मैंने आसाम की वीडियो बना रखी, वहाँ पर मैंने धान लगाई थी तो मैंने उनकी हेल्प की थी, बड़ा मज़ा आया था भाई। तो अच्छा लगता है भाई खेती, जो नेचुरल चीज़ें ना उनको देखने का बड़ा मन करता है। तो आजकल कहाँ चीज़ें रह गई है, लोग इंसान खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तभी तो वो पगले आती है, फिर बाढ़े आती है, फिर भगवान दुखी होकर पता नहीं क्या क्या करता है, तो फिर बोलते हैं भगवान ने हमें वो कर दिया, वो कर दिया। भैया प्रकृति से खिलवाड़ करोगे तो ऐसा ही होगा ना भाई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई इधर आके खेतों के नज़ारे, हवी ठंडी ठंडी हवा भाई, और नज़ारे भाई खूब। दोस्त थोड़ा सा आगे और दिखा देता हूँ आपको, अभी तो मैं काम से साइकिल लेके आया हूँ भाई, मैं काम करने वाली स्कूटरी तो मालिक की है, तो मैं उस स्कूटरी से करता हूँ। तो अभी तो मैं घर से साइकिल उठा के लाया हूँ, पता ही मेरे पास साइकिल ही है और क्या है, तो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, मैं साइकिल पर आया था, खेतों के नज़ारे, मौसम भी अच्छा हो चुका, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जाके आगे, ऐसा सीन है। बोलते हैं ज्वार, मतलब जो गाय भैंसी के चारे के लिए यूज होती है, इसको बोलते हैं ज्वार। इधर भी है, बीच में से काट दी होगी, इसको बोलते हैं ज्वार, और अपनी भाषा भाषा में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ी नॉलेज है तो जितना मुझे आइडिया है तो मैंने बता दिया आपको, ज्वार बोलते हैं इसको। गाय भैंस बड़े खुश होकर खाते हैं, उनके लिए काजू बादाम का ही उपयोग में लाई जाती है, जैसे हमारे लिए काजू बादाम होते हैं, उनके लिए भी यही होता है। इसको खा के मतलब दूध बहुत ज़्यादा देती है, वृद्धि होती है दूध में, गाढ़ा भी होता दूध, तो इसको बड़ा खुश होकर खाते हैं। एक बिनोड़े भी बोलते हैं, बिनोड़े छोटे छोटे से होते हैं, वो तो बहुत महंगा मिलता है, पहले तो 1200 रुपये का कट्टा मिलता था, अब तो 2000-2500 का हो गया भाई, जो खिलाता है उनको ही पता है। ये तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, मेरा फ्रेंड है ना, वो खिलाते रहते हैं ना, उसके साथ मैं कई बार गया हूँ, तो तभी थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। ये जवार है, ये देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, गन्ने के जैसी होती है, लंबी लंबी पतली पतली सी होती है, थोड़ी मीठी भी होती है खाने में, हम भी खा सकते हैं, मतलब जिसको नॉलेज है वही चीज़ खा सकता है इसको, हमें नहीं पता कौन सी है, थोड़ा मैं बचपन में था ना तो। दोस्तों मैं अपना सीन बता देता हूँ बचपन का, तो मैंने पहले मेरे फ्रेंड के घर पर गया था, तो उसने बोला ये भी खा भी सकते हैं, तो मैंने ऊपर से पतली सी डंडी तोड़ के खाई, तो इसका पत्ता ना मेरे इधर लग गया था, खूनों खून हो गया था, मेरा मुंह छिल गया था, तो ध्यान से खाना पड़ता है। तो ये सीन था मेरे साथ, बहुत मुश्किल से अब भी याद है मुझे इस बात का, तो मतलब थोड़े से गन्ने जैसे मीठी मीठी होती है, थोड़ी सी ऊपर से, ज़्यादा पूरी नहीं खा सकते, थोड़ी थोड़ी सी लंबी, तो खाई थी मैंने। तो ये बता देता हूँ यार दोस्तों, इसको पता नहीं क्या बोलते, लगा तो हुआ इसको शायद, ये शायद कपास होगी, पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं मुझे, नॉलेज नहीं है भाई इसकी, तो जिसको भी पता कमेंट करके बता देना दोस्तों है क्या चीज़। थोड़े जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए भाई, तो इधर लगा रखे ज़्यादातर कई कई खेतों में ये लगा रखी है इसको भाई। दोस्तों कमेंट करके जो बता देना इसको बोलते क्या भाई, किस चीज़ की खेती है, मुझे तो शायद इतना मुझे आइडिया नहीं, 50-50 बता सकता हूँ, ये शायद कपास है, रुई की खेती होती है, जो कपास होगी शायद। चार तफे लगा रखी है, इधर तो जवार ही है, चलो भाई चलते हैं फिर। इधर मुझे नलका दिखा भाई, नलके से पानी पी के देखते हैं, शायद आता भी है कि नहीं, आना तो चाहिए भाई, देखते हैं। और
गन्ना पानी है नीचे का, जो है ना साफ पानी नहीं आ रहा, गर्म पानी है, गर्म पानी है नल का। देखो भाई वो नीचे है, ये छोटी सी बना रखी है नदी, ये मतलब खेतों में पानी पानी डालने के लिए। ये नदी का पानी होता है, इधर से जाता है तो खेतों में पानी जाता है, दूर लंबी तक है, खेतों में पानी के लिए। ये शायद कपास है भाई, मुझे गलत नहीं हो तो मेरे कपास लग रही, मुझे तो कपास है ये। वो देखो हमारे डोगी ऐसे नहा रहे हैं, दिखाता हूँ आपको, ये देखो गर्मी से राहत पाने के लिए, देखो भाई बेचारा नहा रहा भाई, गर्मी लग रही बेचारे को भाई, कितना क्या करे जी। दोस्तों तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। हाँ दोस्तों आजकल व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, तो दोस्तों आपको पता ही है मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है भाई, बेसिक काम करना पड़ रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ भाई, भाई घर भी चलाना है, शादीशुदा हूँ, मेरी छोटी सी लड़की भी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, तो ज़्यादातर व्लॉग नहीं बना पा रहा, तो इसलिए सॉरी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं मेरी दिक्कत परेशानी क्या है, तो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ तो क्या करें भाई, 2 साल हो, 2.5 साल हो गया, तो कब तक यूट्यूब के भरोसे रहे, तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, तो इसलिए मैं छोटा मोटा काम करता हूँ रहता हूँ भाई, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा, तो सॉरी। आज थोड़ा संडे था तो आज इसलिए व्लॉग बना रहा, थोड़ा मैं जल्दी आ गया, छुट्टी तो आज भी नहीं थी, तो मतलब मैं 11-12 बजे तक आ गया था, मतलब जल्दी फारिग हो गया था मैं, तो इसलिए मैं आ गया। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ भाई, कमेंट करके जरूर बताओ, तो प्लीज़ आप समझ सकते हो भाई मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ भाई दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा ध्यान रखेंगे, मतलब वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और पूरा वॉच करेंगे, प्लीज़ मेरी वॉच टाइम कंप्लीट करवा दो दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं एक नवी वीडियो के साथ, एक नवी जगह के साथ, तो फिर इजाज़त दो, बाय बाय।